लोकसभा सीट पर मतदान के दौरान सोमवार को माधवी लता पर मुकदमा दर्ज हो गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला कर रही माधवी लता पर आरोप है कि मतदान के दौरान एक बूथ पर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की सहमति के बिना उनसे जबरन बुर्का खुलवाया। साथ ही ये भी आरोप है कि एक महिला वोटर को वापस जाने को कहा। पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी और हैदराबाद में बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता तब से चर्चा में है जब से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन मतदान के दिन मुकदमा दर्ज होने से अब नई चर्चा शुरू हो गई है। कोई माधवी लता के पक्ष में बयान दे रहा है, कोई विपक्ष में। जिस बूथ पर माधवी लता पहुंची थी उस पर क्या हुआ था, सुनिए खुद माधवी लता ने इस बारे में पूरी घटनाक्रम को बताया। चारी मीनार में बूथ नंबर 62-63 में अंदर गई, कोई नकाब नहीं देख रहे थे लेडीज का। अभी ये लोग सुबह से मेरे ऊपर केसेस पर केसेस डाल रहे हैं। ठीक है, पुलिस नहीं देखती है, मुंह पे बोल दी वहाँ पर मुझे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, मुंह पे बोल दिए नहीं देखेंगे, जो करना है कर लो बोलकर। तो मैं अंदर जाके इतनी रिक्वेस्ट करी, अम्मा प्लीज़ अम्मा प्लीज़ अम्मा बर्बाद न को करो अम्मा इलेक्शंस को, ये डेमोक्रेसी अम्मा। मैं 10 मिनट ऐसा रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ अम्मा आपसे रिक्वेस्ट करती अम्मा। आप यकीन नहीं करते, उसमें दो औरत मुसलमान औरत मेरी दुस्थिति देखकर, मेरी दयनीय स्थिति देखकर, सिर्फ दो लोग कार्ड दिखा के मुंह दिखा के बोले अम्मा ये है हमारा कार्ड, ओनली टू वुमेन। पीछे क्या, और एक औरत बोल रही थी जल्दी 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 चलो, टाइम हो जा रहा जल्दी जल्दी डालें, चलो 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 सभी चलो सभी चलो, जो सिर्फ वोट डालने के लिए आई। तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा। अच्छा, ये लोग दुबई गए तो क्या करते, इमिग्रेशन ऑफिसर बिना देके भिजा देते इनको दुबई, तो वो ठेस नहीं पहुंच रहा वहां पर, पहुंच रहा तो बंद कर दो ना, पूरे मुसलमान फॉरेन जाना बंद कर दो औरतें, तो तुम लोग दुबई जाने के लिए फेस दिखा देते हो। माधवी लता पर इससे पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने धनुष से तीर चलाने की मुद्रा में इशारा किया था। इस मामले में भी माधवी लता पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था और मुकदमा दर्ज किया गया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चौथे राउंड में सोमवार को 96 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है। इस सीट पर 41% के करीब मतदान हुआ। अब लोगों की नज़र 4 जून के रिजल्ट पर तो है ही, इस बात पर भी है कि माधवी लता पर दर्ज मुकदमे में आगे क्या कार्रवाई होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। सीट पर मतदान के दौरान सोमवार को माधवी लता